हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। क्राइम पेट्रोल सतर्क की तरफ से सभी दर्शकों को दिवाली और नए साल की ढेरों शुभकामनाएं। आज के शुभ अवसर पर हम एक अनोखा केस पेश कर रहे हैं। एक ऐसा केस जिसमें ना तो कोई कत्ल हुआ और ना ही कोई खून खराबा, पर एक चौंकाने वाला जुर्म जरूर हुआ था जिसकी तहकीकात काफी घुमावदार थी, रोमांचक थी और तनावपूर्ण भी। इनके चेहरे पे मत जाना, जैसे दिखते वैसे है नहीं। नाम है बटुक परमार, सूरत में ही एक साड़ी की दुकान में काम करते हैं। इनके घर की माली हालत पर भी मत जाना, यहां भी अंदर की हकीकत बहुत ही अलग है। जय कृष्ण बा। घर में पत्नी है अल्पा परमार, माँ है कोकिला परमार, एक बेटा है दीपेश परमार और एक बेटी है पारुल परमार। कल सुबह ठीक 7:30 बजे हम इस परमार परिवार को घेरे में लेंगे। जी क्राइम ब्रांच आयकर विभाग। शुभ बात शुभ है, बटुक भाई परमार का घर यही है जी। पर आप लोग यहाँ क्यों आए हैं? अरे भाई बात क्या है, कुछ तो बताओ। और भी कोई लोग हैं घर में? पीछे कोई कमरा वमरा नहीं? मैडम और कोई कमरा नहीं है, बस इतने ही लोग हैं। बात तो बताइए। आइए आप सब लोग यहाँ एक तरफ आ जाइए। माजी आप भी प्लीज ये बताइए घर में कितने फोन है, किस किस के पास में है? मेरे पास एक फोन है। मेरे पास भी है और मम्मी के पास भी है, पापा के पास भी है। सब फोन इकट्ठा करके अभी इनको दे दो। ये सारे फोन स्विच ऑफ करके यहाँ रखिए। लैंडलाइन है घर में? नहीं। झूठ नहीं बोलना बटुक परमार, साहब मैं सच बोल रहा हूँ, चाहे तो चेक कर लो। मैंने रिकॉर्ड चेक किए हैं, इनके घर में लैंडलाइन नहीं है। आप अपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल के कागजात लेकर आइए, हम देखना चाहते हैं कि आप कितना रिटर्न फाइल करते हैं। इनकम टैक्स साहब मैं तो क्या कर रहे हैं, जल्दी से फाइल लाइए। बटुक परमार इन्हें आयकर विभाग को ठोस खबर मिली है कि आप अपनी आमदनी के हिसाब से टैक्स फाइल नहीं कर, काफी सारा काला धन इकट्ठा कर रखा है इस घर में। काला धन? साहब मैं तो साड़ी की दुकान में काम करता हूँ, 5,500 रुपये पगार मिलती है। इसी महीने वो दिवाली का बोनस दिया 2,500 रुपये मेरे सेठ ने। ये मेरी घरवाली है, घर घर खाना बनाने का काम करती है, 4,500 रुपये लाती है। इतनी कमाई में कहाँ इनकम टैक्स, कहाँ काला धन? मतलब आपने आज तक कोई भी टैक्स रिटर्न फाइल किया ही नहीं? रिटर्न टैक्स मुझे नहीं मालूम, मेरा कभी पाला ही नहीं पड़ा। सर कहीं हमें गलत टिप तो नहीं मिली? साहब हमारे पास काला सफेद धन नहीं है, कुछ नहीं है हमारे पास। हमारी इन्फॉर्मेशन कभी गलत नहीं होती। बटुक परमार ये आयकर विभाग के अधिकारी आपके पूरे घर की तलाशी लेंगे। ये छापा है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का छापा और मैं इस छापे की कानून एंट्री कर रहा हूँ। आप सब लोग अपने नाम, बैंक डिटेल्स, आधार कार्ड नंबर इन हवलदार साहब के पास लिखवाएंगे, देखना कोई डिटेल्स छूटे ना। ये रहा इस छापे का सरकारी आदेश। अरे क्या क्या कर रही हैं आप? अरे कुछ नहीं है। अरे कुछ नहीं है इसमें। हाँ हमने घर में कुछ नहीं छुपाया साहब। तो फिर कांप क्यों रहे हो? बाजी बैठ जाइए और आप भी सर।
अंदर एक कबर्ड की चाबी दीजिए, आइए। चाबी? आइए आइए। चाबी तो पुराने सेठ के पास है जहाँ मैं पहले काम करता था। क्या नाम है सेठ का? अरविंद सेठ, अरविंद भाई पारेख। आपके घर के अंदर ये कबर्ड है जिसकी चाबी किसी और के पास है, ये घर उनका है क्या? नहीं, घर तो मेरा। अच्छा, घर आपका, अलमारी आपकी और चाबी उनके पास, ऐसा क्यों? मैं उनको फोन करके बुला लेता हूँ। नहीं, फोन करना अलाउड नहीं। दरअसल कबाड़ वो सेठ नहीं लाया था, उन्होंने रखा है, इसलिए चाबी भी उनके पास है। मैंने कहा था ना, हमारी इन्फॉर्मेशन कभी गलत नहीं होती। डुप्लीकेट चाबी तो होगी आपके पास? नहीं, बस एक बार फोन करने दो। फोन करना अलाउड नहीं है बटुक परमार, ये छापा चल रहा है, मुझे लगता है हमें ही अलमारी खोलनी पड़ेगी तोड़ के। नहीं नहीं साहब, ऐसा मत। क्यों, ऐसा क्या छुपा है इसके अंदर? वो अरविंद सेठ अपना सामान रखते हैं। सामान में क्या, हाथी घोड़े क्या? नहीं, सेठ का सामान है, पता नहीं। आप तो ऐसे कतरा रहे हैं जैसे अंदर कोई लाश रखी हुई है। लाश? पैसे। बटुक परमार जी, अब तो डुप्लीकेट चाबी दे ही दीजिए आप। सब मैं सच कह रहा हूँ, चाबी मेरे पास नहीं। ये बटुक जी बता रहे हैं अंदर जो सील का कबाड़ है उसकी चाबी नहीं है उनके पास, ये सच बता रहे हैं? मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, एक बार अरविंद सेठ को फोन करने दो, वो आपको सब समझा देंगे। हमें सब समझ में आ गया बटुक परमार, हमारा रोज का काम है ये। आखिरी बार कह रही हूँ कि छापे के दौरान कोई कॉल जाएगा तो सिर्फ हमारी तरफ से। सर, आप अपने कमिश्नर साहब को फोन लगाइए और पूछिए ताला तोड़े या नहीं। हेलो सर, सर यहाँ तो शक करने जैसा सब कुछ है। ठीक है सर, तो ताला तोड़ दें। यस सर। हाँ सर, यही है। एक मिनट सर। गुड मॉर्निंग सर। जी जी सर, ओके सर। जी सर, ताला तोड़ देते हैं और कबर्ड में से जो भी बरामद होता है उसकी एंट्री पट्टू परमार के सामने रजिस्टर में करवा देते हैं। जी सर। जैन सर, कमिश्नर साहब ने ताला तोड़ने की ऑर्डर दे दी। क्या है अलमारी में? मने खबर न थी। मने पर न देखा। जाइए, घर में जो सबसे बड़ा बैग है वो ले आइए, उसकी भी एंट्री होगी और केस रजिस्टर होने के बाद बैग वापस लौटा दिया जाएगा। दीपेश, दीपेश। हाँ पापा। बैग दे, बैग दे। बैग ये रखा बैग। बटुक परमार, आपको हमारे साथ आयकर भवन आना होगा। ये सारा पैसा मेरा नहीं है। हाँ, लेकिन घर तो आप ही का है जहाँ से मैं पैसे मिले। लेकिन वो अरविंद सेठ ने। अरविंद सेठ का नंबर दीजिए और आप कमीज पहन लीजिए, चलिए हमारे साथ। कहाँ ले जा रहे हैं? दीपेश पे कौन है? पापा। देखिए, हमारे आदमी आपके घर पे बाहर नजर रखे हुए हैं और जब तक बटुक भाई हमारे आदमी के साथ वापस न लौटे आप में से कोई भी बाहर नहीं जाएगा। अरे पर बहन, दीपेश तू ये तुम्हारे अरविंद सेठ का फोन स्विच ऑफ क्यों आ रहा है? ऐसा तो नहीं है ये छुपके से छापे की खबर तुमने दे दी हो? लेकिन सर, ये कैसे पॉसिबल है? हमने इनके घर के सारे सेल फोन ऑफ करवा दिए थे और घर का कोई फैमिली मेंबर को बाहर भी नहीं जाने दिया था। कहीं कोई और फोन तो नहीं तुम्हारे घर में? नहीं साहब, मैं गरीब आदमी हूँ, वो मेरे पुराने सेठ थे, मैं उनकी नौकरी करता था, ये सारे पैसे उनके मेरे नहीं। एक तरफ सरकार विदेश से सारा काला धन लाने में लगी और दूसरी तरफ तुम देश के अंदर ही ऐसी काली करतूत कर रहे हो। और कहाँ कहाँ छुपा के रखे हैं पैसे? मुझे कुछ नहीं पता साहब, ये सारे पैसे अरविंद सेठ के हैं। तुम भी तो अरविंद सेठ के हो, एकदम पता। गरीब और कर भी कह सकता है मालिक। अच्छा, तो चुन चुन के पैसे तुम्हारे यहाँ क्यों छुपाए गए? मुझे कुछ नहीं पता,
आप पता कर लो, जहां जहां भी मैंने काम किया गले से 10 रुपए तक नहीं चुराए। मुझे लगता है कि हमें इस अरविंद भाई को आड़े हाथों लेना चाहिए। हमें लग रहा है तुम्हें फंसाया जा रहा है, तुम पे भरोसा कर रहे हैं, तुम्हें जाने दे रहे हैं। मालिक, मैं सच में बेकसूर हूँ। ये हमारे विभाग का पता, अगर 10 बजे तक अरविंद सेठ ने हाजिरी नहीं दी तो केस तुम्हारे नाम पे दर्ज करना पड़ेगा और फिर हमें तुम्हें अंदर करना होगा। जाइए, रिश्ता तक छोड़ दीजिए। ठीक, आइए। रिक्शा भाड़े के पैसे हैं? नहीं। ये लो, आराम से जाना, ठीक है? रुक, रुक। फोन आप, फोन आप, फोन, फोन जल्दी दे। अरविंद सेठ को तुरंत फोन करना, जल्दी। लेकिन पप्पा सारे फोन तो लेके चले गए वो लोग। ऐसे कैसे? अरे सुनिए पप्पा, हेलो अरविंद सेठ, बटुक बोल रहे हो? हाँ बटुक बोल, शुरू खबर। मेरे घर में छापा पड़ा अभी अभी। छापा? कैसा छापा? वो आयकर विभाग वाले थे, पुलिस भी थी उनके साथ। शुरू बात करे चा बटुक, पूरा कैश उठा कर ले गए। हाँ धीरज, बटुक बोल तो यही रहा था। लेकिन बटुक भाई के वहाँ छापा पड़ा ही कैसे? उन लोगों को कैसे पता चला? मैंने शुरू खबर सविता, मैं जा रहा हूँ वहाँ पता लगाने के लिए। जय श्री कृष्ण अरविंद भाई। बटुक का ये एड्रेस तो सिटी लाइट इलाके का, वहां किसके बाप का आयकर विभाग है? वो तो मजूरा पक गेट पे है ना। मुझे क्या पता, उन्होंने मुझे ये दिया और कहा इसी एड्रेस पे आके आपको हाजिरी देनी है। आप ही जे नंबर डायल करो छे ते वैद्य नंबर नथी। बटुक, ऐसा कोई नंबर ही नहीं है। सेठ, उन्होंने आपको तो फोन किया था, मुझसे नंबर लिया, लेकिन आपका फोन बंद आ रहा था। मेरा फोन कभी ऑफ नहीं रहता, ये तेरे को भी मालूम है ना। पता नहीं उन्हें क्या लगा, फिर उन्होंने मेरे सामने किसी कमिश्नर को फोन किया, उसके बाद ताला तोड़ दिया कबाड़ का। कौन सा क्राइम ब्रांच था? ये तो उन्होंने नहीं बोला। फर्जी थे, फर्जी का छापा, मुझे लूट ले गए। फर्जी? लेकिन उन्हें कैसे पता चला यहाँ इतना पैसा था? डेफिनेटली फ्रॉड है सर, योगेश कोटेचा नाम का कोई भी डिविजनल कमर्शियल ऑफिसर हमारे डिपार्टमेंट में है ही नहीं। तो भूषण जी, आज सुबह कोई आईटी रेड नहीं हुई? बिल्कुल नहीं। बटुक भाई परमार नाम के किसी भी आदमी के घर पर रेड करने के ऑर्डर हमें इश्यू हुए नहीं, और वैसे भी सुबह 7:30 बजे कौन रेड करता है? फर्जी छापा, फर्जी ऑर्डर, पैसे असली थे। कितने थे? 60 पीटी। 60 लाख कैश, मतलब सब ब्लैक? नहीं साहब, मेरी ज्वेलरी की दुकान है, धंधा केस में होता है, एक एक बिक्री की रसीद है मेरे पास। तो इतनी बड़ी रकम इनके घर में छुपाने की क्या वजह थी? छुपाई नहीं सर, महफूज रखे थे, मेरा तो दिवाली से पहले ही दिवाला निकल गया। सर, पूरे सैटेलाइट एरिया में ये पारस मनी कॉम्प्लेक्स है ही नहीं जो एड्रेस इस कार्ड पे लिखा हुआ है। सर, योगेश गोटेचा नाम फर्जी है, आईटी डिपार्टमेंट ने ना तो इस तरह की कोई रेड प्लान की थी और ना ही इस नाम का कोई बंदा है उनका। आप दोनों और आप दोनों के परिवार वालों के अलावा और किसे ये बात मालूम थी कि इनके घर में इतनी बड़ी रकम रखी है? मुझे तो खुद ही पता नहीं था कि कितना पैसा है, कबाड़ भी अरविंद सेठ ने ही रखी थी, चाबी भी इन्हीं के पास थी, है ना सेठ? बटुक भाई, आप हमारे साथ चलिए, हमें वो रास्ता दिखाइए जहाँ वो लोग आपको लेकर गए थे और जहाँ चाय पिलाई थी। पक्का यही रास्ता था? हाँ, यही रास्ता था। ये फ्लावर लिया था? नहीं साहब, फ्लावर तो नहीं था। आते ही उन लोगों ने ऐलान कर दिया था, एक ने बोला वो क्राइम ब्रांच से और एक ने बोला कि वो आयकर विभाग से और एक ने पुलिस की यूनिफॉर्म में पहन रखी थी। कुल मिलाकर कितने लोग थे? 5 लोग थे और उनमें से एक लेडीज भी थी। हाँ, वो 5 थे। एक जो वर्दी वाला था वो दरवाजे पर खड़ा था और लेडीज बहन थी वो हम पर नजर रख रही थी। पापा पुलिस स्टेशन में अभी भी कंप्लेन लिखवाई है। धीरज दिख रहा,
मैं तेरे पापा को पहले से बोलती आई हूँ कि मत करो भरोसा उस बटुक पर। अब जो हो गया सो हो गया, उधार टेंशन तो पप्पा नहीं चल। यही थी क्या? हीरो की थी उन्होंने गाड़ी, फिर चाय पिलाई, फिर उनमें से एक आदमी ने सड़क पार कराई और ऑटो के पैसे दिए। फिर कहाँ निकल गए? इस तरफ या इस तरफ? वो तो मुझे नहीं मालूम, मैं पहले निकल गया था। कितने बजे? यही कोई 8 के आसपास। नहीं साहब, 8 बजे तो मैंने किसी को भी गाड़ी में से आते नहीं देखा। ये कह रहे हैं कि 5 लोग थे, बड़ी गाड़ी थी। ऐसा तो कुछ था ही नहीं, और मैंने इसको भी नहीं देखा है साहब। ऐसे लोगों पे ना तो मैं पक्का नजर रखती हूँ कि चाय पी के पैसे दिए बिना निकल ना जाए। मैं था, चाय उन्होंने पिलाई थी। बैठो भाई, एक तो ये की औरत झूठ क्यों बोलेगी, और दूसरी बात ये कि आप कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, ना गाड़ी का नंबर, ना गाड़ी का रंग, ना मॉडल, कुछ भी नहीं। साहब मैं इतना हली गया हूं तो कुछ सूझ ही नहीं रहा था, कुछ नजर में गया ही नहीं। जल्दी बैठो। मैं इतना परेशान था कि मेरे साथ क्या होने वाला है, कुछ देखा ही नहीं। गाड़ी के अंदर तो नजर घुमाई होगी आपने? इन सारी गाड़ियों को ध्यान से देखिए, क्या इन जैसी कोई गाड़ी थी या कोई और थी? सब ये वाली गाड़ी थी, मतलब ऐसी वाली गाड़ी थी अंदर ना कुछ। बटुक भाई यहाँ देखिए, यहाँ डैशबोर्ड पर देखिए कुछ था क्या, कोई गणपति की मूर्ति वगैरह या कुछ और? हाँ गणपति था। भार्गव एक काम करो, ट्रैफिक डिपार्टमेंट से उस पूरे रूट की CCTV फुटेज निकलवाओ। मैंने लगे थे बटुक भाई थोक के हिसाब से फेंक रहे हैं। अगर ये फेंक भी रहे ना तो हम भी ऐसा फेंकेंगे इसे कि जब ये उठेगा ना तो याद करेगा हमको। जब तक ट्रैफिक डिपार्टमेंट से CCTV फुटेज नहीं आती, इस बटुक से मैं बात करता हूँ। और सचिन तुम लग जाओ इस अरविंद पार्क के पीछे, और रुचिका तुम खबरियों को लगाओ ये पता करने के लिए कि अरविंद और बटुक के बीच में असली अरेंजमेंट क्या था। राइट सर। और बटुक के परिवार वालों को स्केच आर्टिस्ट के साथ बिठवाओ, 5 सस्पेक्ट को पेपर पर उतरवाओ, पता तो चले फ्रॉड उन 5 ने किया है या ये दोनों अरविंद और बटुक, ये दोनों हमारे साथ कोई फ्रॉड कर रहे हैं। अरविंद से कबाड़ में 60 लाख ही थे क्या? साठ लाख थे या ज्यादा थे? मैंने तो कभी पैसा देखा ही नहीं था, तो गिनता कैसे और क्यों, मुझे क्या फर्क पड़ता? गिन कर 60 पेटी थे साहब, सारे पैसों का हिसाब है मेरे पास। अगर इतना हिसाब किताब किया था तो आपको अपने घर पर रखना महफूज क्यों नहीं लगा? जमाना खराब है, ऊपर से रोकड़ा, मुझे लगा कि बटुक के घर को चोर बोर नहीं आएगा। पर चोर आया। पहले अरविंद सेठ का परसान का धंधा था, तो 8 साल में उनके साथ जुड़ा रहा, फिर वो 5 साल पहले उन्होंने सोने का कारोबार कर लिया, तो उसमें मेरी कोई जरूरत ही नहीं थी। लेकिन जरूरत तो पड़ी तुम्हारी अरविंद सेठ को, और तुमने वफादारी में इतना बड़ा खतरा मोल ले लिया। इसमें मेरी कोई मर्जी नहीं थी साहब, अरविंद सेठ बोले तेरे घर में पैसा रख रहा हूँ तो मैं ना ही नहीं कर पाया। इतनी भी क्या मजबूरी थी? अरविंद सेठ के बहुत उपकार हैं मुझ पर और मेरे परिवार पर साहब, तो इसमें ना कहने की गुंजाइश ही नहीं। तुझे जरा भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, कबाट मेरी होगी, बंद रहेगी, चाबी हमेशा मेरे पास रहेगी, तो चलते नहीं। आज तो बात करे छो तुम्हें सेठ, ये घर भी तो आपकी मदद से खरीदा मैंने। उस कबाट में मैं पैसे रखूंगा। पैसे? हाँ रोकड़ा। रोकड़ा? रोकड़ा मतलब? नहीं पूछना तो नहीं चाहिए, जोखम है ना, आप जैसी बिल्डिंग तो है नहीं जहाँ 24 घंटे पहरा लगा रहता है, चोरी की कोई सोच भी नहीं सकता। देख मेरे को चोर लुटेरों से डर नहीं लगता। तो फिर सर मैं मैं वैसे सारे टैक्स भरता हूँ, लेकिन सरकार कभी खुशी नहीं होती, कभी ये टैक्स वो टैक्स, नई नई टैक्स लगाकर कंगाल करने पर तुली हम जैसे लोगों को। वो भी सही, मत देना अपनी मेहनत की कमाई का एक पैसा मत देना। अरे पकले ऐसा थोड़ी ना, टैक्स देना भी जरूरी है, जो मैं देता हूँ वो क्या है ये थोड़ा ऊपर के बचाएंगे।
उन्हीं को मैं तेरे पास रखना चाहता हूँ। देख अगर अपने घर में रखा बाय चांस कभी वो छापा वापा पड़ गया बेकार में शर्मिंदगी हो, मेरी इज्जत का सवाल है। आपकी इज्जत सर आंखों पर बेझिझक रखो आप जितना पैसा। बस तुझे एक काम करना, होंठ सीने होंगे तुझे अपने और अपने पूरे परिवार के, ये खबर बाहर नहीं जा सकती कभी किसी भी सूरत में। मेरी बाकी कसम खाता हूँ मैं, किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। मतलब ये पैसा ब्लैक का ही है? मुझे काला गोरा नीला पैसा कुछ समझ में नहीं आता। पैसा तो पैसा होता है साहब, बड़ी मुश्किल से कमाया जाता है। खून पसीने की कमाई चोरी करके ले गए, दिल जल के राख हो गया मालिक। दिल जल कर राख हो गया था या दिल में मैल आ गई थी? मतलब ज्यादा बन मत बटुक परमार, सीधे सीधे बोल वो पांच लोग कौन थे जिनके साथ मिलकर तुमने ये पूरा ड्रामा रचा फर्जी रेट का, या कोई लोग थे ही नहीं? चल बोल। साहब मैं सच कह रहा हूँ, मैंने अभी तक तो कोई झूठ नहीं बोला। कुछ बातें ना बोलना भी झूठ ही होता। तुमने अभी तक ये नहीं बताया कि गाड़ी का मॉडल क्या था, गाड़ी का नंबर क्या था, गाड़ी का रंग क्या था, और वो चाय वाली वो भी तुम्हें नहीं पहचानती। भटुक पे मेरा पूरा भरोसा है साहब। पर हमें आप दोनों पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। काला पैसा और भरोसा दोनों कभी दोस्त नहीं हो सकते। दूध का धुला हुआ तो मैं भी नहीं हूं और ना ही कोई व्यापारी हो सकता है। हाँ उस पर थोड़ा ब्लैक था पर पूरा नहीं। अगर ब्लैक पूरा होता तो मैं किस मुझसे शिकायत दर्ज करवाने आता? आपकी ये शिकायत भी तो ब्लैक को व्हाइट करने की उस साजिश का हिस्सा हो सकती है जिसमें आप दोनों शामिल हो। नहीं साहब ये सही नहीं है। कहीं तो कुछ सही नहीं अरविंद भाई, वरना इतनी सीक्रेट बात घर के बाहर गई कैसे? ये आपने बटुक के घर की अलमारी में लाखों रुपए रखे हुए हैं ताला लगाकर, वो भी कैश। मेरे घर में मेरे बेटे धीरज और मेरी पत्नी सविता के अलावा ये बात किसी को मालूम नहीं है। घर में सभी को पता था कबाड़ अरविंद सेठ का है, उनका सामान रखा है, लेकिन किसी को ये नहीं पता था उसमें पैसा रखा है और कितना। किसी ना किसी को पक्का पता था कि अलमारी में इतनी बड़ी रकम रखी, ये फर्जी रेट उसी का नतीजा है। इस केस में अब कई पेचीदा और चौंकाने वाले मोड़ आने वाले थे, खासकर उन पांच सस्पेक्ट्स को लेकर जिनके स्केचेस बनने वाले थे। और उसके पहले आया पहला झटका जब बटुक परमार का अतीत हमारे सामने आया। कोई सुनेगा तो वैसे ही हंस देगा साहब जी। तो सुना तेरा चुटकुला? साहब ये बटुक दिन रात साड़ी की दुकान पर अपनी कमर तुड़वाता है। वहाँ सूरज स्टेशन के पास बटुक का अच्छा खासा अपना फलों का ठेला है। ये लो बटुक भाई, अच्छा मिलते हैं। सलाम सलाम सलाम। इस फेरोज को ठेला 100 रुपए किराए पर दे रखा है, दिन की 100 की पत्ती। बड़ा अजीब, ठेला चलाएगा तो तनख्वाह से ज्यादा कमा लेगा। जय श्री कृष्ण मोहन भाई। जय श्री कृष्ण बटुक भाई। उसकी मिसेस अल्पा वो भी वाकई में लोगों के घरों में खाना बनाती है। इस अरविंद भाई का बटुक के साथ हमेशा से सब सही रहा? हाँ साहब, मेहरबान मालिक वफादार नौकर। फिर 5 साल पहले अरविंद ने लाइन चेंज किया। बेसन से सोना? जी बिल्कुल, बेसन से सोना, पीला कलर लकी है ना उसके लिए। सर झोल कहाँ हुआ होगा? क्या इन दोनों के बीच कोई मिली भगत हो सकती है? सच नहीं, ये जो 5 लोग आए थे हो सकता है इन्हें अरविंद पारेख ने भेजा, या फिर ये भी हो सकता है ये खुद बटुक पर मार के अपने ही लोग, या फिर इन्हें अरविंद पारेख के बेटे धीरज पारेख ने भेजा। साहब एक बार इन 5ों की स्केच बाजार में घूमेगी ना तो मुश्किल नहीं होगा पता करने में, मतलब ये है कौन, ये है भी या नहीं। फर्जी छापा टीम में 4 मर्द और 1 औरत होने का दावा तो किया था परमार परिवार ने, पर उनके स्केचेस बनवाने में हमारी मदद करने के बजाय ये परिवार उलझन बढ़ाया जा रहा। हमें ये भी लगने लगा था कि इनसे स्केचेस बनवाना शायद वक्त की बर्बादी हो। सर इन 5 लोगों की थ्योरी अपने आप में ही फेक लग रही, हर कोई अलग अलग हुलिया बता रहा है इन 5 लोगों का। और बटुक परमार ने हमें जो रूट पता है, जो टी स्टॉल बताई, कुछ भी हकीकत से मैच नहीं कर रहा। और सर सीसीटीवी फुटेज देखते वक्त भी बटुक परमार उस गाड़ी को नहीं पहचान पाए जिसमें वो लोग उसे लेके गए थे।
बटुक भाई, पर इस रूट पर तो आपकी बताई हुई गाड़ी दिखाई नहीं दे रही है। बटुक परमार जी, जिस तरह की गाड़ी के बारे में आपने बताया था, वैसी हम चार चार बड़ी गाड़ी चेक कर चुके हैं। उनमें से किसी में भी आप नहीं नजर आए हैं और ना ही आपके बताए वो चार आदमी और एक औरत। कुछ समझ में नहीं आ रहा मैडम, वो बड़ी गाड़ी थी, चार लोग थे, एक औरत थी, मुझे लेके गए, चाय भी पिलाई। पर उस चाय वाली ने आपके सामने मना किया ना। देखिए बटुक परमार जी, ये बचकानी हरकत करने से कोई काला धन सफेद तो होने सरा, तो अब भी सच बोल दीजिए, क्या साजिश है और क्या प्लान था? कुछ प्लान नहीं है मैडम, मैं सच बोल रहा हूँ। ये बटुक परमार का घर उत्तराण इलाके में है ना? यस सर, रावलपुरा। इन सब का कहना है कि रेड सुबह सुबह हुई और सबके सामने कमिश्नर से बात हुई। एक काम करो, रावलपुरा इलाके का डम टाटा निकलो, परमार और पारेख फैमिली के एक एक मेंबर का फोन रिकॉर्ड निकलवा। क्या रेड हुई थी आपकी आईटी डिपार्टमेंट की? हाँ हुई थी परेश, बटुक परमार के घर पर नहीं, अरविंद पारेख के घर पर, और वो भी फर्जी रेड के एक हफ्ते पहले। भूषण जी मुझे विस्तार से बताइए। 18 अक्टूबर को हमारी टीम ने अरविंद पारेख के घर पर रेड किया था। ये रेड एक अरसे से प्लान्ड थी, असली रेड, असली ऑफिसर वाली। मेरी उन ऑफिसर से बात हुई जो रेड में शामिल थे, उन्हें गहरा शक था कि अरविंद अपने टैक्स के कागजातों में घफला कर रहा है। सर जी, मैं आपसे कह रहा हूं सारी फाइलिंग बिल्कुल सही है, मैं सारे टैक्सेस समय पे दे देता हूं। टीम ने घर के चप्पे चप्पे को छाना, पर कहीं भी कोई भी छुपा हुआ पैसा नहीं मिला। दरअसल टीम के हाथ कुछ लगा ही नहीं। हाँ रेट हुई थी, ये तो उनके रिकॉर्ड में भी है, मेरी छुपाने से क्या छुपती। पारेख साहब 18 अक्टूबर को आपके घर पर रेट पड़ी और उसके ठीक एक हफ्ते बाद आपने बटुक परमार के घर पर नकली रेट पड़वा कर अपने पैसे लूट ली। नहीं साहब, मेरा इस फर्जी रेट से कोई ताल्लुक नहीं है। तो फिर 18 अक्टूबर की शाम को आपने बटुक परमार को 5,000 रुपए क्यों दिए? ये 5,000 की बात तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताई, और अब बताकर क्या साबित करना चाहते हो? आप कम से कम 20 बार पूछ चुके हैं 18 अक्टूबर की रेट के बारे में, इसलिए मुझे याद आया तो मैंने बता दिया बस। ये किस लिए सेठ? घटले, आज तेरी वजह से मेरा बहुत बड़ा नुकसान होने से बच गया। मेरी वजह से कैसे? तू नहीं समझा, जा जा अंदर जाके पैसे घर वालों को दे दे, अच्छा कुछ खरीदने के लिए। मुझे तो पता ही नहीं था उनके घर में छापा पड़ा था, मैं तो 5,000 में खुश था, इसलिए मैंने उनसे कुछ नहीं पूछा। तुम 5,000 से खुश नहीं थे, तुम्हें अभी और पैसे मिलने वाले हैं, शायद उन लाखों का हिस्सा जो तुमने अरविंद भाई के साथ मिलकर गायब करवाए। नहीं साहब नहीं। कोई 5-5 लोग नहीं आए थे? आए थे, 5 लोग आए थे। तुम दोनों मिलकर हम पुलिस वालों का इस्तेमाल करना चाहते हो ब्लैक मनी को वाइट करने के लिए? वो क्या होता है साहब? बटुक इतना भोला है कि आप उसे बुद्धू बोल सकते हो, वो इतनी बड़ी चाल कभी नहीं सोच सकता कि 5 मनगढ़ंत लोगों को तैयार करे और इतना सारा पैसा लूटे। और बटुक की फैमिली, उनके बारे में क्या कहेंगे? सबके सब बुद्धू हैं। बटुक के पीठ पीछे वो लोग ऐसा कुछ नहीं करेंगे। अगर वो सभी लोग बोल रहे हैं कि 5 लोग आए थे, मतलब आए थे। सर दोनों अपने अपने बयानों से टस से मस नहीं हो रहे। और सर डम डेटा से कुछ खास निकला नहीं, बाकी सभी के फोन रिकॉर्ड्स की स्कैनिंग चल रही है, शायद अंदर कहा तो। ये बटुक परमार और अरविंद पारेख दोनों शायद ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारे पास उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं, इसलिए खेल रहे हैं हमारे साथ या फिर एक दूसरे के साथ। बटुक, पक्का 5 लोग थे, 4 आदमी एक और, जैसा जैसा तुमने पुलिस को बताया। अरविंद सर आप भी कम से कम, आप तो नमक खाया मैंने आपका। हो सकता है अरविंद पारेख बटुक परमार के कंधे पर रखकर निशाना साध रहा, या फिर बटुक अरविंद के, या फिर ये दोनों मिलकर हमारे कंधे का इस्तेमाल कर रहे हैं। सर बटुक परमार के घर वालों को और उसके जान पहचान वालों को अलग अलग तोड़ते हैं, और सर इस अरविंद पारेख के घर वालों की छानबीन करते हैं। क्या वो इस फिक्स मैच की टीम का हिस्सा है या फिर किसी और ने ही मैच फिक्स किया? अपने बटुक भाई? अरे नहीं नहीं साहब, वो तो खुदा के बंदे हैं। इस बटुक परमार ने कभी तुमसे जिक्र किया कि टेंशन हो रही है, घर पर इतना रोकड़ा पड़ा हुआ है? वो ये सब मुझे क्यों बताने लगे साहब? आप चाहे तो मैं आपको लिखित में दे सकता हूँ कि बटुक भाई हमारी दुकान के सबसे वफादार और ईमानदार सेल्समैन है। आप इतने दावे के साथ कैसे कह सकते हैं? मैडम एक तो 5 साल कम नहीं होते किसी भी इंसान को पहचानने में, दूसरा हम ठहरे साड़ी बेचने वाले, हम तो लोगों की नीयत यूं पता लगा लेते हैं जैसे कि रेशम का लटकता हुआ धागा। आप वाकई में मुझ पर शक कर रहे हैं? आपको लगता है कि मैं ऐसे 4-5 लोगों की टीम बनाकर बटुक भाई के घर भेजूंगा? दिवाली का टाइम है धीराज, ताशों की महफिलें लगती हैं,
हो सकता है पापा ने पैसा देने से मना कर दिया। एक तो हूं ताश नहीं रमतो, और अगर कभी भी मेरे पापा ने मुझे पैसे देने से मना किया तो मैं अपनी जरूरत बदल दूंगा। ऐसे परवरिश दिए मेरे पापा ने मुझे। मुझे तुम लोगों से ये उम्मीद नहीं थी कि तुम लोग मुझे झूठी करार दो। ऐसी बात नहीं है कोकिला जी, जब तक सच सामने नहीं आ जाता हम हर मुमकिन संभावना टटोलते हैं। तो क्या मैं 5 लोगों की कहानी बनाऊंगी? मैं इतनी चालाक होती तो जवानी में 2-5 करोड़ तो ऐसे ही कमा लेती। तो झूठ कौन बोल रहा है, करोड़पति अरविंद पारे? अब उनके बारे में क्या बताऊं मैं, सेठ लोग हैं, मेरे बेटे पर उनकी बहुत मेहरबानी है और हम पर भी। तो आपको बटुक भाई पर शक है? शक नहीं, यकीन है। मैं तो धीरज के पापा को ना पहले से कहती थी कि इतने पैसे वहाँ पे मत रखा करो। लेकिन ये बटुक परमार तो सालों से आपके पति का वफादार है। दिया में तेल ज्यादा पड़ जाए ना तो अच्छी से अच्छी बातें भी ना बुझ जाती या आग पकड़ लेती है। इंसान और लालच का भी ऐसा ही है, सबकी अपनी अपनी एक हद होती है, उसके बाद कोई किसी का भी नहीं। साची बात कहूँ तो लगा था कि वो 5,000 रुपए जो दिए वो क्यों दिए? मैंने पूछा तो बोले ऐसे ही। पर आपको अजीब क्यों लगा? बटुक परमार तो कह रहे थे कि पहले भी कई बार दिए, हजारों लाखों में दिए घर खरीदने के लिए। वो 5 वर्ष पहले की बात है मैडम, और तब जितने भी दिए हो काम भी उतना ही करवाया। हम लोग गरीब जरूर है मैडम पर झूठे नहीं है। हमारी आंखों के सामने वो 5 लोग थे, 4 भाई और 1 बहन। और अगर ये बात आप लोगों को झूठ लग रही है ना तो असली लोग कभी पकड़े ही नहीं जाएंगे। लकी ने आप पूछू तुमने दिपेश, फिर से सोच ले पक्का? 100% पर बहुत हो गया, सच जो है वो सामने आना ही चाहिए। हम केस के ऐसे पड़ाव पर थे जहां ये 5 फर्जी लोगों की शिकायत ही फर्जी लगने लगी थी। हम लगभग ये मान चुके थे कि कोई रेड हुई ही नहीं थी, जब कहानी एकदम से घूम गई। पर क्या ये कहानी वाकई में घूमी थी या घुमाई गई थी, ये साफ होना अभी बाकी था। बोलो। दरअसल उन लोगों ने किसी कमिश्नर को फोन किया ही नहीं था। तुम्हें कैसे पता? मैंने देखा था सर अपनी आंखों से, उस आदमी ने किसी को डायल ही नहीं किया था। हेलो। जब वो दूसरा बंदा भी बोला तभी मेरी नजर उसकी स्क्रीन पर थी, कोई कॉल चल ही नहीं रहा था। ओके सर, ताला तोड़ देते हैं। सर तब इतना हिला हुआ था मैं कि सूझा ही नहीं कि आपको बताऊं, पर ऐसा अब लगता है कि बताना चाहिए। कहीं उस फर्जी फोन कॉल की तरह कि पूरे 5 लोगों की कहानी भी फर्जी तो नहीं? नहीं सर, ये कोई कहानी नहीं है। दिवेश तुम कॉलेज में पढ़ते हो, स्टूडेंट हो, बेकार में ही अपना फ्यूचर क्यों खराब कर रहे हो तुम? कसम खा के कहता हूँ कि 5 लोग आए हुए थे, और उतने ही नहीं सर, मेरी बहन पारुल है ना वो फाइन आर्ट्स की स्टूडेंट है, वो 5ों के स्केच बना के दे सकती है आपको। मैम हम सब आपके स्केच आर्टिस्ट के सामने डरे हुए थे, कुछ भी बोले जा रहे थे, इनमें से कोई भी स्केच ठीक से नहीं बनी। तो तब के तब क्यों नहीं बोला? दिपेश ने बताया होगा ना, हम हद से ज्यादा डरे हुए थे, लेकिन अब हमने सोचा अब बस, अब और नहीं। सारे हूबहू ऐसा, पोर्ट्रेट स्पेशलिस्ट हूँ, क्लासेस में मैं हमेशा फर्स्ट आती थी। पोर्ट्रेट बनाने में क्लास में फर्स्ट आती रही है तो नकली पोर्ट्रेट बनाने में तो डिस्टिंक्शन मिल सकती। दिपेश कहीं पुलिस हम पर तो शक नहीं करेगी ना? बिल्कुल कर से, काम है उनका शक करना, पर हमने अपने सर से सारा बोझ उतार दिया, उनको सब कुछ सच सच बता दिया, अब कोई डरने का कारण नहीं बचा। हो सकता है 5ों पारुल की कल्पना हो, कोरी इमेजिनेशन, हकीकत में ये 5ों हमें कभी मिले ही ना। सर सभी तरफ से लोग हमें घुमाने की कोशिश कर रहे हैं इस उम्मीद में कि हम गोल गोल चक्कर काटते रहेंगे और ये केस अपने आप हवा हो जाएगा। सर अगर 1 मिनट के लिए पारुल और दीपेश की बात को सच माने तो? और इन 5ों के लिए सर्च ऑपरेशन लॉन्च करते हैं सर। हो सकता है सबके सब हिस्ट्री शीटर्स हों, शायद पहले भी ऐसे फाइनेंशियल फ्रॉड्स किए हों, फर्जी अवतार में माहिर हों। जी सर। यस मैडम, यस मैडम,
जी सर। यस सर। जी मैडम। जी मैडम। यस सर। यस सर। चलो शुरू। कितने फोन है घर पर, किस किस के पास में फोन है? जितने भी फोन है सब ऑफ करके इनको दे दो। इनको नहीं, उनको। उनको दे दो। यस सर। पुलिस की वर्दी पहनी होगी, ऐसे नहीं खड़े रहने का। अच्छा रुआ आप, मैं रुकने का। और यस सर, जी सर, उतना ही बोलने का। आप मेरे को दो ही लाइन दिए, यस सर, जी मैडम, जी मैडम, यस सर। इसमें क्या और करने का है? जितना करने का उतना करना भाई। क्राइम पेट्रोल दिखता है ना, उसमें कैसे पुलिस वाले सच्ची एक्टिंग करते हैं, ऐसी सच्ची वाली एक्टिंग करने की। चलो शुरू। आप अपने कमिश्नर साहब को फोन लगाओ और पूछो। इसका है? सर यहाँ शक करने जैसा सब कुछ है। ओके सर, तो तोड़ दे ताला। ओके सर, देता हूँ सर। गुड मॉर्निंग सर। जी सर। ओके सर। ओके सर। ये भाई क्या फटाफट फटाफट एक साथ सब बोलता है, बीच में रोकने का। पब्लिक को ऐसा लगना चाहिए कि सामने कोई है। सुनो एक लाइन बोला बाद में। जी सर। ओके सर, बाद में वापस लाइन बोल लेंगे। आप सब अपने नाम, आधार कार्ड के नंबर, बैंक अकाउंट इन हवलदार साहब के पास लिखवाएंगे। बस सबको लगभग मालूम पड़ गया क्या बोलने का है। अब ये डायलॉग हम लोग सब लोग याद कर लेंगे बराबर। बाद में काम करना है हमारे चेहरे के हाव भाव पे। इन पांचों को सच मानकर चलते हैं, बटुक और उसके परिवार के बयान को भी सच मानकर चलते हैं। ऐसी फर्जी रेट्स के जितने भी केसेस हैं सारी फाइल्स निकलवाओ और जितने भी सस्पेक्ट हैं सबको उठवाओ। इनमें से एक भी सही साबित हुआ ना तो हम सही रास्ते पर, नहीं तो फिर से शुरू करेंगे, शुरुआत से शुरू। केस की शुरुआत में हमने इन किरदारों को मनगढ़ंत माना था और उसके बाद उन्हें सच मानकर ढूंढना शुरू किया। इस केस से मिलते जुलते कई केसेस की फाइल्स को खंगाला गया, हिस्ट्री शीट्स को भी खंगाला, तोड़ा और हम चौंक गए जब ये सच हमारे सामने आया कि ये किरदार महज कागज पर ही नहीं, दरअसल हकीकत में भी। हार्दिक क्या, पूरा नाम क्या है? हार्दिक गोहिल। तुमने इसे पहले भी गिरफ्तार किया? नहीं साहब, लेकिन एक दो बार हफ्ता लिया है इससे। हफ्ता? किस बात का हफ्ता लेते हो तुम इससे? कहां का है हार्दिक गोयल? ए हॉलीवुड बोलो, बॉलीवुड बोलो। लेटेस्ट से लेटेस्ट पिक्चर झक्कास, मक्खन क्वालिटी। एक पेन ड्राइव तीन पिक्चर, एक पेन ड्राइव तीन पिक्चर। ले लो लाटे लाटे से ले। बच्चा देखे, बच्चे का बाप देखे, बच्चे की मम्मी देखे। इसका एक जगह ठिकाना नहीं है साहब। इस वक्त ये हार्दिक गोयल कहां पर है? आखिरी बार इसे स्टेशन पे देखा था। ए सुनो, इसको पहचानते हो? हाँ, ये तो अपना हार्दिक डीवीडी है। कहाँ मिलेगा? साहब कभी कभी यहीं इसी कोने में अपना ठेला लगाता था, पर आजकल गायब हुआ है कई दिनों से। कोई लफड़ा किया इसने? इनको ध्यान से देखो, इनमें से किसी को पहचानते हो? साहब ये तीनों कौन है मुझे नहीं पता, पर ये साली तो वो कल्पना है। कौन है ये? एक नंबरी सरदर्द है साहब, इतना दिमाग खाती है कि पूछो मत। मच 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 बस। ओ बेर, ओ भायो, दिवाड़ी नुसे लूटी लो। ₹50 मत, ₹150 में जीन पैंट एकदम नया। पुराने कपड़े बेचती है सर सड़क पर। इस कल्पना का पूरा नाम क्या है? कल्पना पाठक करके कुछ है। अगर ये दो असली है तो पक्का है ये तीनों भी असली में होंगे। यानी सर कुल मिला के बटुक परमार और उसका पूरा परिवार सच ही बोल रहे? दीपेश और पारुल का हृदय परिवर्तन इतनी देर बाद हुआ है जितनी देर में ये पांचों लाखों रुपए के साथ हजारों मील दूर चले गए होंगे। और सर इतनी देर के बाद इन पांचों का भांडा फोड़ना ये भी तो एक चाल हो सकती है। वक्त आ गया है, आपस में माल बांट लेते हैं और अपने अपने रास्ते नाप लेते हैं। हार्दिक और कल्पना सड़क पे अपना माल बेचते थे और बटुक परमार का भी ठेला लगता क्योंकि फिरोज चलाता। ये लो बटुक भाई,
अच्छा मिलते हैं, सलाम। तो एक तरह से तीनों एक ही तबके के। हो सकता है सर खुद बटुक ने इन पांचों को शामिल किया, या तो खुद के लिए या फिर अपने आका अरविंद पारिक के लिए। इस बटुक परमार पर नजर दुगनी कर दो। अरे तुमने जो अंदाजा लगाया था उसे कई गुना ज्यादा मान हाथ लगा है। हाँ आप बॉस, बेईमानी के धंधे में ईमानदारी पहला। अच्छा सुनो, उसी हिसाब से तुम्हारा भी हिस्सा रेडी किया है। अब जल्दी बोल कहाँ मिलना है। बहुत जल्द हमें बटुक परमार को इस जुर्म से जोड़ने वाली एक कड़ी मिली, और उस कड़ी का सुराग हमें बटुक परमार के फोन रिकॉर्ड से मिला। जय श्री कृष्ण जगदीश भाई, भावेश बोलू जू, भावेश परमार। अरे वो मार्केट में कितना पैसा किसके ऊपर लगाने का वो थोड़ा सा टिप दो ना। अबे आपो ने टिप, दिवाली का टाइम है, हाथ में थोड़ी लक्ष्मी आएगी तो अच्छा होगा ना। सब सही, भावेश परमार बटू भाई परमार से बराबर बात करता है फोन पर। कुछ निकला इसके बारे में? हाँ सर, कुछ तो कनेक्शन हो सकता है। ये भावेश परमार बटू भाई का भतीजा है, सगे बड़े भाई का बेटा। और क्या हिस्ट्री है इसकी? इसकी तो लगी पड़ी है मैडम, शेयर बाजार में खेलता है, लोगों से लोन ले लेकर एक ही फटके में सब डुबा डाला। फिर ये भावेश बटुक भाई से उधार मांगने लगा, बटुक भाई उसे अरविंद भाई के पास लेके गए। कहीं इस फर्जी छापे का सूत्रधार यही तो नहीं? उसी से पूछ लेना मैडम, आपके अंदाज में। चुपचाप उठा लो इस भावेश परमार को, पहले से मिठाई खिलाएंगे, फिर भी नहीं बोला तो इसे पिटाई खिलाएंगे। जरा पता तो चले ये मैच का ओपनिंग बैट्समैन है या फिर बारवां प्लेयर। हमें उम्मीद तो यही थी कि भावेश परमार के मुंह से पूरी टीम के नाम अनाउंस होंगे जो हमारे साथ गेम खेलते आए। हम पक्का नहीं थे कि क्या ये कोई गेम थी ब्लैक मनी को वाइट करने की। अब इस केस में कई हैरत अंगेज पड़ाव आने वाले थे। दरअसल ये एक बहुत ही बारीकी से रची गई साजिश थी। इस साजिश का राजा कौन था, मोहरा कौन, ये अभी सामने आना बाकी था। पर इतना पक्का था कि इस साजिश के राजा रानी वजीर हाथी घोड़े सबके सबको हम धरने वाले थे। ये कैसे हुआ और आखिरकार किसका चेहरा बेनकाब हुआ, ये हम कल के एपिसोड में आपके सामने पेश करेंगे। शुभ रात्रि, जय हिंद। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।